गुड मॉर्निंग दोस्तों, बड़े को नमस्कार, छोटे को ढेर सारा प्यार, हमारी दोस्ती रहेगी बरकरार। चलिए आज के लॉक स्टार्ट करते हैं, ब्रश करें चकाचक, चलते जाते नहाते और नहा के आते हैं, ठीक है। यस दोस्तों, मस्त नहा के निकल गए, भगवान जी के दर्शन कर लिए, और हमेशा की तरह आपको मालूम है, हाँ बोलोगे हाँ हाँ मालूम है बाबा, एक अगरबत्ती चढ़ता हूँ आपका, तो भाई गलत क्या यार, आपके लिए भी चढ़ा हूँ, मेरे लिए चढ़ा, ऐसा क्या बोल रहा हूँ, बस बता देता हूँ कि देखो आपको हमारा नाम का अगरबत्ती भी चढ़ी है। हाँ अभी तो हो गया काम, अभी नाश्ता देखते हैं, भगवान से प्रार्थना तो कर लिया, अच्छा दिन भी सबका एकदम अच्छा रहेगा, प्रार्थना हुआ है ये। चलिए नाश्ता करते हैं, देखते हैं नाश्ते में क्या है। तो दोस्तों आज के खाने में पराठा और आलू बोल रहा हूँ, मटर एंड गोभी का भुजिया। चले खाते हैं, एंजॉय करते हैं नाश्ता और मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो दोस्तों मस्त अपना नाश्ता खा के हो गया, और आज हमारा दोपहर का खाना भी भंडारा में रहेगा, क्योंकि आज एक और भंडारा है दोपहर में, तो हाँ जाएंगे उधर ही भंडारा खाने। तब तक मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, मम्मी को बोल दिया मेरा खाना नहीं बनाने के लिए, मम्मी बोले मैं भी आऊँगी भंडारा में, तो मम्मी फिलहाल तो अभी निहादी के लिए खाना बनाएगी, क्योंकि निहादी तो सोई, तो निहादी अभी जाएंगी नहीं, और निहादी के लिए जब निहादी उठेगी तो निहादी को भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो उनको खाना खाना पड़ेगा, और खाना खाने के लिए कुछ तो चाहिए घर पे, तो इसलिए मम्मी बोले पहले से बैकअप के लिए खाना बनाए, तो ताकि निहादी को दिक्कत ना हो, और बाकी मम्मी चलेगी भंडारा में। तो अभी फिलहाल मैं तब तक एडिटिंग कर लेता हूँ, और फिर थोड़ा पढ़ाई भी कर लेंगे, और अगर भंडारा बुलाया तो पहले भंडारा में खा लेंगे और फिर पढ़ाई कर लेंगे, तो देखते क्या होता है पॉसिबल, अभी फिलहाल तो एडिटिंग में लग जाता हूँ। तो दोस्तों भंडारा हम नहीं जा पाए, क्योंकि आपको मालूम है 3 पराठा खाया था, और उस समय भंडारा पापा अचानक कॉल आया था कि उस समय भंडारा है, तो पेटो बड़ा बड़ा था, तो मतलब नहीं था जाके, तो मम्मी बोली एक काम कर, कोई नहीं घर पर बना देती हूँ, घर पर खाएंगे, तो अभी भूख लग रही है, भंडारा तो गए नहीं, वेट किया थोड़ा आराम से एडिटिंग, हाँ एडिटिंग संपन्न हो चुका है, एकदम पर्याप्त, एकदम अच्छे से कर लिया एडिटिंग, तो एडिटिंग हो चुका है, और अभी चलिए खाना खाते हैं, देखते खाने में क्या है, घर पे बना है, आज भंडारा लगता नसीब नहीं था इसलिए नहीं खा पाए, चलिए कोई नहीं खाते हैं घर का खाना। तो मम्मी तो खाना खाने में लग गई है, आपको बताता हूँ खाने में क्या, और निहाजी अभी सोकर उठ भी गई, ओके चलिए निकालते खाना। तो दोस्तों ये है आज का खाना, राइस एंड आलू मटर की भाजी, वाह घर में भी एकदम भंडारा ऐसा ही खाना है, चलिए खाना खाते हैं, मिलते हैं खाने के बाद। दोस्तों मस्त खाना खाया पेट भर के, और सो गया था, फिर अभी शाम को भी बस उठे, अभी चले चलते थोड़ा बाहर, मनी बोलते चलो थोड़ा बाहर घूमते हैं, तो लेट्स गो, आज मनी जो अपनी जगह साथ में, तेरा शायद पता नहीं, तेरा भी था साथ में, कहाँ का मान ली, बहुत सोया यार, बहुत खाना खा रही, क्या ही नींद आई मेरे को, चले अभी चलते बाहर, चप्पल निकालता हूँ, चलो अभी चलते घूमते, बहुत तगड़ा नींद आ गया है दोपहर में भी, लेट्स गो अभी बाहर चलते हैं, अच्छा लग रहा है, फ्रेश। तो चलता है जब मनीषा बोले आते हैं मोमोज खाने, तो चलिए अभी मोमोज खा रहे, और मैं पनीर शॉर्ट में ले रहा हूँ मोमो चिकन अभी, तो हाँ ले रहे, और मनीषा का आ गया, और मेरा अभी तक आया नहीं, वेटिंग पीरियड है, देखते कब तक आते हैं। तो दोस्तों भजी ले लिया, अभी तक मेरा शॉर्मा नहीं आया, फाइनली शॉर्मा ही बन गया, चलिए तो फाइनली दीदी के लिए भी समोसा ले लिया है, और मैंने शॉर्मा खा लिया, ऑलमोस्ट अपने इधर के हमने सारे मंदिर कवर कर लिए, तो आज तो शायद कोई मंदिर जा नहीं पाएंगे, कल देखते कौन सा मंदिर जाएंगे, थोड़ा दूर वाले जाएंगे कल से। फाइनली सामान लेके आ गए घर पे, और देखो अपू भाई भी है, क्या बात है अपू भाई अपू भाई जॉब करने लगे, बड़े बिजी मानुस हो गए अपू भाई आजकल, अब आपको दर्शन दिखेंगे नहीं जल्दी वही मतलब अभी काम धाम है ना अपू भाई, पहले अपू भाई बिजी फ्री रहते थे तो आ जाते थे, लेकिन अब नहीं, अब भाई टाइम टू टाइम जब फ्री रहते तभी आप आते हैं, फ्री रहता हूं लेकिन ऑफिस में ही बैठा रहता हूं, मतलब एक ही जगह पे फ्री होकर बैठो, अब आ नहीं सकते घर पे, कोई नहीं देते हैं किधर भी, कोई नहीं अपू भाई ऐसे आप आया करो अच्छा लगता है। दोस्तों नदी समोसा खा रही थी, मैं वर्कआउट करने चला गया था, ये वर्कआउट से निकला हूँ, बॉडी एकदम मस्त एकदम बता कर रहा था, तो हाँ वर्कआउट हो गया है, पुशअप मारता हूँ, थोड़ा क्रंचेस मारता हूँ, अपने लिए खाई रहेगा तो ही डेली करता हूँ, और आज आपको एक खुशखबरी दिखाऊंगा, मैं पास आया एक इन्विटेशन कार्ड, जो मैंने आपको बताया था सस्पेंस में कि हाँ आपको बताऊंगा जल्दी, वो समय आ चुका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो गेट रेडी, दिखाऊंगा आपको क्या है वो चीज़, और मैं बोला था ना फैमिली हमारी आ रही दिल्ली से, वो भी क्यों आ रही है वो भी आपको समझ जाएगा, तो चलिए वेट करो दिखाता हूँ, थोड़ा रेस्ट लें दो। तो दोस्तों पहले हाथ धो लेते, आपको मैं एक चीज दिखाने वाला था ना वो अभी तक दिखाया नहीं, और उससे पहले खाना बन गया, पहले खाना खा लेते, खाना खाने के बाद दिखाऊंगा कार्ड, ठीक है पहले खाना खा लेते। दोस्तों खाने में सिंगी भाजी साग चावल और दाल है, चलिए मिलते हैं खाने के बाद खाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मस्त खाना खाया, और अब वक्त आ गया आपको दिखाने का एक सामान, यस जिसके लिए हमारे सब भाई बहन, हमारे सब मौसी, बड़े बड़े मतलब बड़े फैमिली के मेंबर्स, और छोटे हम सब भाई बहन, हमारे सब बड़े मौसी मामा सब आने वाले हैं इधर मुंबई, किसके लिए, इसके लिए क्या है ये, क्या लग रहा है आपको, एनी गेसेस, या क्या है ये, क्या ये है ग्रीटिंग कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड से क्यों आएंगे, क्या इसमें कैश प्राइज है, नहीं कैश प्राइज भी क्या, क्या इसमें टोकन या कूपन से कहीं घूमने के, नहीं वो भी हो सकता है क्या,
इसमें है इनविटेशन कार्ड एक फंक्शन का। क्या है बताओ दोस्तों? यस, ये है जनौ, मतलब हम ब्राह्मणों में सबसे बड़ा त्यौहार होता है जो कि कंपलसरी रहता है, हर एक लड़के को करना पड़ता है एक ना एक एज के बाद। तो जनौ में हमें धागा धारण करना पड़ता है, तो इसका ये प्रोसेस होता है और इसके लिए ये त्यौहार एक फंक्शन होता है वो प्रोसेस के लिए कि इसका हम जनौ पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। उसके बहुत सारे आगे रूल्स भी होते हैं दोस्तों, मैं खुद इतना इस बारे में जान नहीं लेता हूँ, जान नहीं लिया हूँ, इतना मेरे को आइडिया नहीं है। मेरा भी जन्म हो चुका है, बहुत छोटे में होता है ना, लेकिन बहुत चीज़ सीखना बाकी है। मेरे मंत्र है बहुत चीज़ आते हैं, मतलब भगवान की पूरा पूजा, दैन जब हम धारण करते हैं उसका हम पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्या चीज़ आती है, उसका पता रहता है। तो ये है वो, और इसके अंदर आपको दिखाता हूँ मेन इन्विटेशन। ये देखो ये इन्विटेशन, ये पापा का नाम, और ये है उपनयनम संस्कार, ये संस्कृत में उपनयनम बोलते हैं। चलिए अब इसको खोला जाता है। तो ऐसा कुछ है दोस्तों, देख रहे हो आप, बहुत अच्छे से डिजाइन किया है इस इनविटेशन को। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इसका डिजाइन, इसका थिंकिंग, सब चीज बहुत अच्छा है। एक शेप है, एक ब्राह्मण लड़का जो कि जनौ पहना है। तो दोस्तों ये हमारा जनौ होता है, ये जनौ होता है, ये हमारा बाल काटते हुए समय पहली बार हमारे बाल पे ब्लेड लगता है, उससे पहले हम ब्लेड नहीं लगाते, उसके बाद ही ब्लेड लगता है। जब जनौ होता है जनौ के बाद हम ब्लेड लगा सकते हैं, लेकिन जनौ से पहले छुरा, यानी छुरा रहता ना वो ब्लेड का, वो हम चला नहीं सकते। रेजर चलाओगे आप, लेकिन आप छुरा नहीं कर सकते, आप प्योर टकले कभी नहीं हो सकते। तो जनौ के बाद ही हम टकला रख होते हैं और ब्लेड तभी हमारे टकले में पहली बार लगता है, सर पे, माथे पे। तो चलिए यही जनौ में होता है एक्चुअली, और जहाँ तक मेरे को जितना आइडिया है उतना आपको बताता हूँ, ऐसे मैं भी इन डीप जानता नहीं, हाँ जितना आइडिया उतना तो आपको बता ही सकता हूँ। और फिर ये रखो ओम श्री गणेश, कोई भी काम हम गणपति बप्पा के नाम से स्टार्ट करते हैं। यस, ये हमारे मंत्र, फिर ये हमारा जनौ बॉय A2 यानी मेरा भाई, दिल्ली में तो आपने देखे रहोगे जो मेरे साथ रहता था, अथर मेरा भाई छोटा था, तो उसका ही होने वाला उपनयन। और यस, ये इन्विटेशन, ये रहा हमारा इन्विटेशन, और ये होने वाला है कब? 19 को, तो इसके लिए सब आएंगे 18 को, और 19 को होएगा फैमिली यूनियन, सबका मज़ा आने वाला है उस दिन, पूरा एकदम इंजॉय करेंगे, फुल ग्राइंड करेंगे। तो हाँ दोस्तों, ये था जनौ, मज़ा आ गया देख के और खुशी हुई। तो यही सरप्राइज था जो मैं आपको बताने वाला था, है कि नहीं, मस्त है ना? यस जनौ, तो यस फाइनली अब जनौ होने वाला है, और दिन कैसे बीतता पता नहीं चलता, जल्दी हो जाएगा पता नहीं चलेगा, बस फटाफट वैसे बीता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सो प्यार दे रहे बने रहे, और कुछ नहीं टेल से सुरक्षित रहिए, जय माता दी, हर महादेव, जय श्री राम, बाय दोस्तों।